गाते के रामी का नाम है जलाधर भी किसी भी शिक्षक को किसी भी ग्रुप को नहीं छोड़ा जा सकता को फना दो ईमान जब नहीं जा रहे मत बात करो इस ग्रुप पर हर गोशा रोशन जिंदगी के दूर गोशे पर दो कभी सर कुत्तों के सामने नहीं पुकारा कोई तारीफ नहीं कर सकती तारीफ करेगी दूसरों के लिए लेकिन जनाब अबू तारिक के सिलसिले में कोई तारीफ ये बयान नहीं दे पाई और नहीं दे सकती ये बयान कि जनाब अबू तारिक ने फला हुक्म को सज्जा किया फला हुक्म के सामने सर झुकाया नहीं हर हिस्सा रोशन है हर हिस्सा नुमाया है किसी भी हिस्से पर रुकू कर लो किसी भी हिस्से पर रुख कर लो हर हिस्सा रोशन है जनाब अबू तारिक का तो चर्चा होने के एतबार से हम इंतजाम नहीं करते अबू तारिक किस बात का नाम है अबू तारिक उस जात का नाम है जिसने माल से भी रसूल की हिफाजत की है और जान के एतबार से भी रसूल की मदद की है अबू तारिक उस जात का नाम है तुम ना कहो अबू तारिक उस जात का नाम है जिसके अंदर यह हौसला पाया जाता था कि अपने बेटे को कुर्बान करके रसूल हो बेटे को कुर्बान करने का हौसला था जनाब अबू तारिक पर यह हौसला भी तो था रात में दूसरे मदद भी जाते थे हौसला भी तो बात कुर्बानी का कि मेरा लाल कुर्बान हो जाए लेकिन कायनात का रसूल मर जाए अबू तारिक तो उस जात का नाम है कि जिसने कार्य रिसालत में कभी भी मुखालफत नहीं की तारीख आपकी नजर में होगी जिसने कार्य रिसालत में कभी भी मुखालफत नहीं की अबू तारिक तो उस जात का नाम है जिसने सुलसीरा में नहीं कहा था और या सैयदी वा आलाए ऐ मेरे सैयदों पर तार आप खड़े हो जाइए कहने वाला रसूल को सबसे पहले है अबू तालिब रसूल को सबसे पहले मौला कहने वाले हैं अबू तालिब तो अबू तालिब उस जात का नाम है जिसकी जिंदगी का हर हिस्सा नुमाया है हर हिस्सा रोशन है जिसने अपनी सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया रसूल के लिए जिसने अपने बेटों की जान को मुतबर नहीं माना जिसने अपनी औलाद की जान को जरूरी नहीं माना जिसने हर मौके पर जनाबे सरकारी रिसालत माफ की हिफाजत की जिसने हर जगह हर मंजिल पर रसूल की हिफाजत की जिसने हर मौके पर रसूल की हिफाजत की कार्य रिसालत में हर तरीके से मदद की कभी कार्य रिसालत में रुकावट नहीं बनी कभी कार्य रिसालत में मानी नहीं बनी हर तरीके से रसूल की हिफाजत की अबू तालिब उस जात का नाम है कि जब रसूल को सहारा देने वाला पूरे अरब में कोई नहीं था मतलब ये नहीं है आप जब पूरे अरब में रसूल को सहारा देने वाला नहीं था तब रसूल को सहारा देने के लिए अबू तालिब की आगोश बढ़ी तब रसूल को सहारा देने के लिए अबू तालिब के हाथ बढ़े आप मुतवज हो जाए तो मैं फिर से जुमला कहूँ तब अबू तालिब को अबू तालिब ने उस जात का नाम है कि जब रसूल को सहारा देने वाला कोई नहीं था तो जनाब अबू तालिब ने अपनी आगोश को बढ़ाया अब आप जनाब अबू तालिब ने अपने हाथों को बढ़ाया रसूल के लिए जनाब अबू तालिब ने अपने दोनों हाथों को बढ़ाया रसूल के लिए खुदा ने आवाज दी अल जज़ा व एहसान आज तुमने मेरे हबीब की हिफाजत के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए कल मैं अगर खुदा नहीं अगर कल मैं एहसान का बदला देने के लिए इसी रसूल के दोनों हाथों पर मेरे दान का बदला खुदा दे दिया इस तरीके से कि आज तुमने अपने दोनों हाथ बढ़ाए मेरे रसूल के लिए कल मैं रसूल के हाथों को बदल कर दूंगा और तेरे बेटे को इतना बदल करूंगा तुम्हारा मैं देख करो तेरे बेटे को इतना बदल करूंगा क्योंकि तुम मोहरे नबूवत पर सारी कायनात झोंकती है उस मोहरे नबूवत पर तेरे बेटे के कदम होंगे हमारे कमजोर है कमजोरी है उन्हें कर सकता सकता हर इंसान दर्द नहीं कर सकता जनाब अबू तालिब की मंजिलत को जनाब अबू तालिब की उस फजीलत को इंसान दर्द नहीं कर सकता बताना क्या है इस्लाम खुदा ने भी कह दिया है अबू तालिब
सुनने की कुर्बान की है मेरे हबीब के लिए, तेरा नाम भी कयामत तक में बाकी रखेंगे वो, और जिस तरीके से बाकी रखेंगे तो कैसे रहेगा, मैं तेरा नाम भी कयामत तक बाकी रखूंगा। इस्लाम पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तुमने आमादा किया है, तो इस्लाम की कुर्बानी का सबसे बड़ा वाकया और इस्लाम के दामन में सबसे बड़ा वाकया जिसे बात है करबला कहते हैं, उस वाकये की अगर इब्तिदा होगी और उस मार गए शहादत में सबसे पहले कोई शहीद होगा तो तेरा खून होगा। सारे मतलब जुड़े हुए मैं बन सकता हूँ करबला का सबसे पहले शहीद कौन है, मुस्लिम कौन अकील के फसल और अकील कौन सबसे पहला शहीद अपने तालुक का खून होगा। करबला का सबसे पहला शहीद करबला में नहीं शहीद हुआ है, करबला का पहला शहीद कुफा में शहीद हुआ है। अबू तालिब इस अजीम वाक्य के लिए शहादत की इत्तला होगी तो तेरे लाल से होगी, कदम कदम पर तारीख बयान करने वाला बयान करे चाहे ना करे, तारीख बयान करे तो मुस्लिम की शहादत बयान होगी अबू तालिब की कुर्बानी, तारीख बयान करेगी कि मदीना वीरान हो गया, रसूल का खानदान गिर गया, लेकिन दर हकीकत बयान होगा कि अबू तालिब का खानवादा बिना मदीना छोड़कर ये काफिला चला गया। तारीख बयान करने वाला ये कहेगा कि रसूल का घर लुट गया, रसूल के नवासे को मार दिया गया, लेकिन अगर वो सफीद दिन से काम लेगा तो ये जरूर कहेगा अबू तालिब के खून करबला में लुट गया। करबला में कह जवाब निकाल सकते और जरूर इस साल का जो सूरज ये पहला सूरज भी जरूर होने को आ गया, आप जरूर इस बात की तरफ भी मतवज होंगे कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो पिछले बरस नहीं कर सके थे, ये गम कुछ लोगों को पिछले बरस नसीब था, इस बरस कबरों की आवो की सके मेरा जुम्म है एक रिवायत नहीं कर सकता हूँ और हमेशा बयान करता हूँ, रवायत पाया जाता है जब अजान की आवाज बुलंद होती है तो जो नमाजी कबरों के दामन में आराम कर रहे होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं और आवाज देते हैं माहौल काश तो हमें मजबूर न करता और आज हम ये चिंता होते हैं तो तेरी इबादत के लिए जरूर पढ़ते तुम साफ से बताइए आवाज की आवाज सुनकर कुछ नमाजी जो चैन हो सकता है तो क्या मजबूर की आवाज सुनकर होता होगा किया करबला की तारीख करबला में जुट गया वो तारीख का काम वाला मेरे बीवी जी के रसूल आपके बाबा ने आपसे जो वादा किया था आज ये जरा आ कर दो जियो उस वादों की वजह कर रहे तो ये उनमें लगातार जमा हो गए लाल का रम मनाने के लिए ये अदाबार जमा हो गए। इस कौम का बच्चा करबला के बच्चों पर रोने के लिए तैयार है, इस कौम की माँ करबला की बेटियों का रम मनाने के लिए आ रहा है, इस
कौन के नौजवान के वही अनुभव समातम के लिए आ गए हैं। आइए ये मसरूफ क्या को तंग करके आए हैं, जो कारोबार को छोड़ कर आए हैं तेरा गम मनाने के लिए। आपकी तरफ से मैं एक दुआ करता हूँ, अरे बूढ़ी ये तमाम अनादार ये बगैर किसी लालच के, बगैर मालो दौलत की लालच के, बगैर किसी नियत के, ये सिर्फ और सिर्फ खाली दुनिया के साथ तेरे बेटे का गम मनाने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन इन सबके दिल में एक तमन्ना जरूर है, जब बलपुर भाव हमारे दर पर दस्त सकते उसने पहले पहले तेरे बेटे की कब्र की ज़ियारत रखी हो। एक तमन्ना सबके दिल में मौजूद है। मेरा दूसरा एक तमन्ना आपकी तरफ से एक और तमन्ना मैं करता हूँ। आज पहला दिन है, मोहर्रम सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं है मेरे अभी, बल्कि मोहर्रम को सुहा का भी नाम है। जब आंखों में अश्क आएंगे तब वो बैठे तो जमीन सुहाए तो होगी। आइए मैं एक दो और करता हूँ और मैं मतलब बताया शुरू करता हूँ। इस तमाम लोगों के दिल में एक ख्वाहिश है, एक कमरे दिमागों को शायद नसीब हो जाए। मेरी जो और ख्वाहिश है इन तमाम के लिए मैं आपकी तरफ से बयान करता हूँ। रबी भर इन अजादार ने अपनी जुबान से अपने आप को अजादार कहा है, अपनी जुबान से अपने आप को अजादार कहा है, लेकिन हम सबके मन में एक तमन्ना है, जिंदगी भर अपनी जुबान से हमने अजादार कहा। रोज मैटर जब सब बदनाम गए हो तो आप अपनी जुबान से एक मरतबा अजादार है, एक मरतबा कह दीजिएगा हम आपके Ha ha ha!
Thank you.